हाय एवरीवन, आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज का टॉपिक ग्राहम का विसरण नियम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर एंड तक बने रहेगा और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, इसकी डेफिनेशन देखिएगा, ग्राहम ने क्या किया वो और क्या कहा वो। इस नियम के अनुसार निश्चित ताप दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण की दर होती है वो घनत्व के वर्गमूल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि विसरण को अगर सामान्य भाषा में हम समझेंगे तो बिखरना होता है ना। किसी यानी कि पदार्थ होता है इसका बिखरना, या फिर अणु होते हैं उनका बिखरना, इस टाइप का होता है ना। गैस के अणु होते हैं, ठोस के अणु होते हैं, द्रव के अणु होते हैं, इस प्रकार से इनका बिखरना, ये होता है विसरण। और घनत्व यानी कि बहुत पास, जैसे कि ठोस होता है उसका घनत्व ज़्यादा होता है इस टाइप के। तो उन्होंने कहा कि जो निश्चित ताप व निश्चित दाब पर जो गैस का विसरण की दर होती है ना, वो घनत्व की वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए गाइज, डेफिनेशन के बाद में यहाँ पर विसरण की दर जो आर होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है डेंसिटी के, यानी कि घनत्व के, कैसे, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो घनत्व को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। विसरण की दर यानी कि बिखरना, वो घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आगे हम बात करेंगे इसकी, इसी की। अगर विसरण की जो दर होती है वो आर वन हो जाए तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा क्या, आर वन व्युत्क्रमानुपाती वन अपन रूट डी वन। अगर सेकेंड विसरण की दर क्या हो जाएगी, आर टू, तो आर टू व्युत्क्रमानुपाती वन अपन रूट डी टू हो जाएगा। यानी कि आर वन अपन आर टू बराबर रूट डी टू अपन डी वन। देखिए गाइस, नीचे देखिएगा तो इसको समझिएगा। स्टेप फर्स्ट में हमने एक पात्र लिया, उस पात्र में गैस डाली है, उस गैस को ठूस ठूस के भरा है, यानी कि बहुत ज़्यादा भर दिया इसको, प्रेशर ज़्यादा हो जाए ऐसे, और इसको क्या किया, बंद कर दिया। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए घनत्व तो कैसा होगा, ज़्यादा होगा, और विसरण की दर बहुत ही कम होगी, बिखरने की दर बहुत ही कम होगी। यानी कि विसरण की दर होती है वो घनत्व की व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, वही गैस के अणु डाले लेकिन क्या किया, बहुत ही कम डाले, यानी कि यहाँ पर जगह खाली बहुत है। यानी कि विसरण जो ज़्यादा होगा, यानी कि गैस के अणु होंगे वो बिखरे हुए ज़्यादा होंगे, तो विसरण की दर होती है वो ज़्यादा होगी। तो घनत्व कैसा होगा, बहुत ही कम होगा। यानी कि ये दोनों कैसे होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो आई होप आपको ग्राहम का विसरण नियम समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।